हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली मैंने वायरलेस ईयरफोन्स के लिए बनाया है। तो इस वीडियो में हम अमेज़न रिपब्लिक सेल में जो काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे आपको जो भी ईयरफोन्स देखने को मिल रहे हैं उसमें से मैंने कुछ यहाँ पर जो भी चूज़ किए हैं जो मैं आज के इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के हैं। और कोविड की वजह से मुझे लगता है कि ऑनलाइन होने की वजह से यहाँ पर ईयरफोन्स की जो डिमांड वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि यहाँ पर हमें ईयरफोन्स के बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। फिर चाहे वो ऑफिस मीटिंग हो, फिर चाहे वो स्टूडेंट्स के जो ऑनलाइन क्लासेस हो या तो कॉलेज अटेंड करना हो, तो ये सब चीज़ों के लिए आपको ईयरफोन्स तो लगते ही है। इनफैक्ट जो मीडिया कंजम्पशन है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो यूसेज बढ़ चुका है। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हमारे ईयरफोन से, तो वो है वायरलेस JBL PureBass। तो यहाँ पर आपको जो है वो 6 घंटे तक का अच्छा खासा प्लेबैक टाइम देखने को मिलता है इस वाले ईयरफोन्स में। काफ़ी बढ़िया इसके जो है वो क्वालिटी आपको मटेरियल देखने को मिलता है। टैंगल फ्री फ्लैट डिज़ाइन है, तो यहाँ पर जो वायर की जो डिज़ाइन है वो फ्लैट है, तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर आप यूज़ करते हो तो ज़्यादा मैसअप नहीं होगा और आपको काफ़ी इजी तरीके से हैंडल करने के लिए भी इजीली आप इसको स्मूथली हैंडल कर सकते हो, तो ज़्यादा कोई इसमें आपको जो इश्यूज़ नहीं आएंगे। बात करेंगे साउंड क्वालिटी की, तो JBL नाम से ही पता चल जाता है कि जो साउंड क्वालिटी है वो कितनी ज़्यादा कमाल की होगी। यहाँ पर आपको जो बेस फिर ट्रिबल हो, ये सभी चीज़ें आपको जो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस देखने को मिलेगी। बेस आपको इसमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो वो नाम में लिखा है JBL PureBass, तो आपको काफ़ी बढ़िया बास देखने को मिलेगा। अगर आपको ज़्यादा बास पसंद है, अगर आप ज़्यादा करके बेस का अगर फ़ैन हो, तो आपको ये ईयरफोन्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। इसी के साथ इसमें आपको जो वो हैंड्स फ्री कॉलिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको इसमें बिल्ट इन माइक देखने को मिलेगा जिसका यूज़ करके आप ये सब जो यूज़ कर सकते हो। साथ में यहाँ पर आपको अच्छा खासा बैटरी बैकअप तो मिल ही रहा है। जो क्वालिटी है ऑडियो की वो भी काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। साथ ही में इसमें आपको सभी तरह के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। 1 ईयर की वारंटी है, तो ओवरऑल मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा कमाल का है, जिसको अगर प्राइसिंग में अगर यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी प्राइस टैग निकल के आती है, तकरीबन 1500 के आसपास। तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना। तो जो नेक्स्ट ईयरफोन्स है वो है नॉइस की तरफ से आने वाले नॉइस। तो यहाँ पर आपको इसमें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलते हैं, इसके कॉन्फ़िगरेशंस काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं। यहाँ पर आपको जो ऑडियो टाइम देखने को मिलता है वो 16 आवर्स का है, तो 16 आवर्स तक आप इसको कंटिन्यूसली यूज़ कर सकते हो, तो वो एक काफ़ी एक कमाल की बात है कि यहाँ पर आपको बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। 10 मीटर की आपको इसमें रेंज देखने को मिलती है। साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा कमाल की है, और यहाँ पर तो आपको बेस के लिए एक डेडिकेटेड बटन भी देखने को मिलता है, तो अगर आपको बेस को और भी ज़्यादा एनहांस करके अगर इन्जॉय करना है तो उसके लिए आपको डेडिकेटेड बटन है, सिर्फ आपको एक बार प्रेस करना है और आप इसका जो है वो मज़ा उठा सकते हो। इसी के साथ इसमें आपको IPX5 की रेटिंग देखने को मिलती है, यानी कि ये जो ईयरफोन्स है वो स्वेट प्रूफ है, तो अब को यहाँ पर जो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आप सुबह जिम के लिए या तो अगर आप जॉगिंग के लिए यूज़ करते हो, क्योंकि स्वेट प्रूफ तो ऑलरेडी है, तो आपको ज़्यादा करके यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी अगर यहाँ पर थोड़ी बहुत छींटे भी अगर पानी के उड़ते हैं तो। इसी के साथ इसमें आपको जो प्रोसेसर देखने को मिलता है वो क्वालकॉम का 3003 है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है। यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया क्वालिटी देखने को मिलेगी इस वाले ईयरफोन्स में। वायरलेस है तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, और ज़्यादा करके ये कंफर्टेबल भी है, यहाँ पर आप इसको लॉन्ग ड्यूरेशन तक पहन सकते हो। यहाँ पर आपको एर्गोनॉमिकल डिज़ाइन देखने को मिलते हैं, तो एर्गोनॉमिक होने की वजह से आपकी ईयर में काफ़ी अच्छी और काफ़ी बढ़िया फिटिंग भी आ जाएगी। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा कमाल के है, और आपको ओवरऑल जो एक्सपीरियंस होगा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। ड्राइवर्स भी सभी में काफ़ी बढ़िया दिए गए हैं, तो आपको मुझे नहीं लगता आपको साउंड क्वालिटी में कोई भी यहाँ पर दिक्कत आएगी। ट्रेबल हो, फिर चाहे वो क्लैरिटी हो, ज़्यादा मडी नॉइज़ नहीं होगी, काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आपको यहाँ पर जो फ्लुएंट साउंड देखने को मिलेगा, तो सुनने को मिलेगा, तो वो आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है इंजॉय कर सकते हो। तो इसी के साथ इसकी जो प्राइस है वो अराउंड यहाँ पर अगर हम बात करते तो 1600 के आसपास आती है, 1600-1400 के आसपास, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। वैसे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप सभी ईयरफोन्स के आप चेकआउट कर सकते हो, और बहुत सारे बढ़िया डील्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ, तो आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको अभी तक का वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसी के साथ जो हमारे अगले ईयरफोन्स है वो है रियलमी की तरफ से आने वाले रियलमी नेक बैंड। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का नेक बैंड है। यहाँ पर आपको
काफ़ी बढ़िया ड्राइवर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि 11.2 mm की बेस बूस्ट ड्राइवर्स है। आपको साउंड क्वालिटी तो काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी और इसके रिव्यूज़ भी मैंने देखे हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और प्राइस टैग में जिस आता है वो भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल प्राइस टैग है, जहाँ पर ये आपको तकरीबन 1200 से लेकर 1300 के प्राइस टैग में देखने को मिलेगा। प्लस आपको इस पर डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हो क्योंकि अभी जो है वो रिपब्लिक सेल भी ऑन है अमेज़ॉन की। साथ ही में इसको अगर आप 10 मिनट तक चार्ज करते हो तो आप इसको 100 मिनट्स तक यूज़ कर सकते हो। 110 mAh की इसकी बैटरी कैपेसिटी है जो कि डेढ़ घंटे में आराम से जो फुल चार्ज हो जाती है। इसी के साथ इसमें आपको जो वो काफ़ी बढ़िया फीचर्स देखने को मिल ही जाते हैं। इसमें आपको गूगल असिस्टेंट का भी सपोर्ट है, साथ ही में इसमें आपको और भी 3 टैक्टाइल बटन्स देखने को मिलते हैं जिसका हेल्प से आप जो है यहाँ पर वॉल्यूम को कम और बढ़ा सकते हो और इसी के साथ और भी इसकी जो फंक्शनैलिटी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का है और आपके डेली यूसेज के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। इसकी जो वारंटी पीरियड है वो अराउंड 6 months है, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो और चूज़ कर सकते हो आपके लिए कौन सा अच्छा फिट हो जाता है। इसके फिटिंग की बात करते तो वो भी कंफर्टेबल है, मैं इतने भी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं कहूँगा बट समवॉट अराउंड मैं इसको 80% से ज़्यादा ही रेटिंग, मतलब 80% से ज़्यादा ही कहूँगा कि आपको थोड़ी बहुत अच्छी फिटिंग देखने को मिलेगी। अगर आपके ईयर में अच्छे से फिट हो जाता है, अगर अच्छी खासी कुशनिंग है, तो आपको यहाँ पर जो लॉन्ग ड्यूरेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर चेकअप ज़रूर कर सकते हो। तो इसी के साथ हम आ चुके हैं हमारे वीडियो के एंड में, जहाँ पर हम बात करेंगे वन प्लस के वायरलेस सी के बारे में। इसके बारे में आप सभी को वैसे भी पता ही है, यहाँ पर अगर आप 10 मिनट तक चार्ज करते हो तो आपको काफ़ी बढ़िया बैटरी बैकअप देखने को मिलता है और बहुत ज़्यादा देर तक आप जो है इसके साउंड क्वालिटी को इन्जॉय कर सकते हो। ये पहला ऐसा ईयरबड है जिसमें मैंने टाइप सी देखा था, तो आपको वो भी काफ़ी बढ़िया एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है। थोड़ा बहुत फ्यूचर प्रूफ भी है और ईजी टू हैंडल है। साथ ही में इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। यहाँ पर आपको 20 घंटे तक का प्ले टाइम देखने को मिलेगा अगर आप इसको फुल चार्ज करते हो एक बार में ही। साथ में इसमें आपको IP55 की भी रेटिंग देखने को मिलती है, तो इसकी वजह से ये स्वेट प्लस वाटर रेजिस्टेंट भी हो जाता है। और उसी के साथ इसमें आपको काफ़ी बढ़िया साउंड क्वालिटी तो देखने को मिल जाती है। मैग्नेटिक ईयरबड्स है, आपको मैग्नेटिक में ऑन और ऑफ का भी फीचर देखने को मिलता है, तो ये फीचर से भरे हुए ईयरफोन्स है, तो आप इसको भी इजीली यूज़ कर सकते हो डे टू डे लाइफ में। साथ ही में इसकी जो फिटिंग की बात करते हैं और कम्फर्ट की, तो ये भी काफ़ी हद तक कंफर्टेबल है और आपको ज़्यादा कोई इचिंग या तो पेन नहीं होगा ईयर में अगर आप इसको आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक अगर पहनते हो। और फिर भी मैं इसके जो वो और भी अल्टरनेटिव्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। इसकी जो प्राइस टैग है वो अराउंड 2000 rupees है, इस पर भी आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हो जो कि अमेज़ॉन की रिपब्लिक सेल में ऑन भी है। तो बस जल्दी से जल्दी जाइए, चेकआउट कीजिए, खरीद लीजिए पसंद आए तो, और इसी तरह हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके। तो बस मिलते हैं ऐसे हमारी नई वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।